जो बेबी है, बेबी इसका सबसे पहले क्या धड़कता है, तो छठा माह में, छठा सप्ताह में, सिक्स वीक यानी डेढ़ महीना बाद, सिक्स वीक बाद सबसे पहले इसकी दिल धड़कती है। दो क्वेश्चन यही पूछ देता है कि जब बच्चा पेट में आता है तो पेट में बच्चे को हम भ्रूण कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, क्या कहेंगे, भ्रूण, तो उस भ्रूण में सबसे पहले क्या बनता है, तो हार्ट बनता है, और वो चौथे सप्ताह में धड़कता है, तो छठे सप्ताह में धड़कता है, यानी डेढ़ महीना, एक महीना में चार गो सप्ताह होता है, कितना महीना बाद धड़कता है, डेढ़ महीना बाद, और जैसे डेढ़ महीना बाद धड़केगा ना तो महिला को उल्टी होने लगता है, वो पकड़ देगी वहां पे, तो जैसे फिल्म उलिम में देखिएगा ना, महिला बोकरेगी तो उसकी सास कहेगी बहू खुशखबरी है, तो महिला इसे ले जाकर भाग जाएगी, रे ससुराल तो पकड़ा गए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब उल्टी होने लगता है कब, जब डेढ़ उसका छः सप्ताह हो जाता है, तब उससे पहले उल्टी वगैरह ना होता है, छः सप्ताह, कभी कभी ऑप्शन में ना छः नहीं रहता है तो चार ऑप्शन में रहता है, तो उसे भी लगा देंगे, हालांकि छः सप्ताह में ही पहली बार उसका क्या होता है, दिल धड़कता है, और दिल धड़केगा तो उल्टी होगा, और मुबारक हो, समझ में आ गया, आपका मेहनत रंग लाया, मुबारक हो, किसी को कोई दिक्कत, अरे भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, देखिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, हाँ बाबू, लड़का लड़की कैसे बनते, लोल कहीं कहीं बकलोलवा, जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे तो तेरा अर्धसूत्री विभाजन ना पढ़ाए थे, लड़की मतलब कहने का सेंस है कि कोई लड़का लड़का कब बन जाता है, लड़की कब बन जाती है, यही ना, आजा भाल वह थड़ी पूछ रहा है, या हमें ऑपरेटरों खतरनाक है, कह रहा है कि सर एगो लड़का कमेंट भी आया कि लड़का अगर चाहे लड़की बनना तो क्या होगा, वो ये थोड़ी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कैसे कभी लड़की को जन्म दे देती है, लड़का को जन्म देती है, बाबू एक्स वाला आके मिलेगा तो लड़की हो जाएगी, वाई वाला आके मिलेगा तो लड़का हो जाएगा, 20 लाख स्पर्म है उसमें आधा एक्स है आधा वाई है, कौन मिलेगा, मैंने माथा फोड़ दे हमरा, ले आओ कैमरा में निकल मार दे दू लाठी पगला जे, हम यहाँ पगला कहीं का, और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाए कोशिका में तो छोड़ के ही ले यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे नहीं सब लड़का का मेहनत रंग नहीं लाता है, फिर कहेगा कि कुछ हो ये नहीं रहा ये समझ में आ गया, बच्चा जो होता है ना पेट में वो एक झिल्ली में रहता है, उस थैली को कहते हैं, वो एक थैला में रहता है, किसमें, थैला में, थैला, इस थैला को कहते हैं इमियोटिक सेल, इमियोटिक सैक, इमियोटिक सैक के नाम से जानते हैं, इस थैला को क्या कहते हैं, इमियोटिक सैक, क्या कहेंगे, इमियोटिक सैक, तो बच्चा यूट्रस में रहता है उसके अंदर भी एक झिल्ली रहता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, इमियोटिक सैक, इस झिल्ली को क्या कहेंगे, इमियोटिक सैक कहते हैं, और इसी के अंदर बच्चा रहता है, तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके इस इमियोटिक सैक के अंदर झांक लेता है कि लड़का है कि लड़की है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लड़का है, कैसे पता चलता है, या लड़का रहेगा तो उसका टेस्टिस जो रहता है ना अल्ट्रासाउंड में दो डॉट आने लगता है इस टेस्टिस का, तो समझ जाता है कि वो लड़का है, और अगर डॉट नहीं आ रहा है तो समझ जाता है कि लड़की है, यहाँ पर और कोई पहचान नहीं होता ये टेस्टिस, तो इस इमियोटिक सैक के अंदर देखना उसी को कहते हैं इमनियोसेप्टोसिस, क्या कहते हैं, इमनियोसेप्टोसिस, तो इमनियोसेप्टोसिस वह घटना है जब डॉक्टरवा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इस इमियोटिक सैक के अंदर फोटो देख लेता है कि लड़का है कि लड़की, तो इसी को कहते हैं इमनियोसेप्टोसिस, लड़का लड़की का पता कर लेना इमनियोसेप्टोसिस कहलाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया,